प्रस्ताव के पक्ष में 47 मत प्राप्त हुए, प्रस्ताव के विपक्ष में 29 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार ये सभा वर्तमान मंत्री परिषद में विश्वास प्रकट करती है कि प्रस्ताव पारित हुआ। ये ऐलान है कि झारखंड की चंपई सरकार सुरक्षित है। ये ऐलान है, चंपई सरकार ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद 2 फरवरी को चंपई सोरेन की ताजपोशी के बाद सबसे बड़ा यही दबाव था कि विधानसभा में बहुमत साबित करना है, और आज 5 फरवरी सोमवार को चंपई सरकार ने ये साबित किया कि उनके पास अब भी बहुमत है। झारखंड की नई सरकार ने आज विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पास कर लिया। चंपई सरकार के समर्थन में कुल 47 वोट पड़े, जबकि विपक्ष को कुल 29 वोट मिले हैं। बता दें कि झारखंड में 81 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए चंपई सरकार को 41 विधायकों की जरूरत थी। प्रस्ताव के पक्ष में 47 मत प्राप्त हुए, प्रस्ताव के विपक्ष में 29 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार ये सभा वर्तमान मंत्री परिषद में विश्वास प्रकट करती है कि प्रस्ताव पारित हुआ। जेएमएम और गठबंधन के विधायकों को खरीद फरोख्त से बचाने के लिए हैदराबाद भेजा गया था, जहां से वो रविवार शाम को ही रांची लौटे थे, जिसके बाद उन्हें रांची के सर्किट हाउस में रोका गया था और आज फ्लोर टेस्ट के दौरान सदन में उपस्थित रहे। बता दें कि विश्वास मत पेश करने के बाद सदन में इस प्रस्ताव पर चर्चा भी हुई। चर्चा की शुरुआत चंपई सोरेन ने की और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कहा, बीजेपी हेमंत सोरेन को झूठे मामलों में फंसाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। के अंदर में भारत में केंद्र सरकार का महाराज भी बैठा हुआ है। किस तरह से केंद्रीय एजेंसी को उपयोग किया, हमारा 2019 का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नेतृत्व, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नेतृत्व में जनता प्राप्त हुआ, पूर्ण बहुमत का सरकार बना। और मुख्यमंत्री रहते हुए जमीन का घोटाले के बाद जिसका खाता ना बही में लिखा हुआ हेमंत बाबू के नाम पर, और उसी के नाम पर आए जिनको जेल तक जाना पड़। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी केंद्र सरकार, राज्यपाल और बीजेपी पर तीखा हमला किया। अपनी गिरफ्तारी के दिन को काली तारीख बताया, साथ ही कहा वो आंसू नहीं बहाएंगे लेकिन वक्त आने पर जरूर जवाब देंगे। आज मुझे किसी अर्थ किया गया है, 8.5 एकड़ जमीन के घोटाले अगर है हिम्मत सदन में तो कागज पकड़ कर दिखाए कि 8.5 एकड़ का जमीन हेमंत सोरेन के नाम पर है, अगर होगा मैं उस दिन से राजनीति से छुपा दूं। मैं आंसू नहीं बहाऊं, आंसू वक्त के लिए रखूंगा, आप लोगों के लिए आंसू का कोई मतलब नहीं, आदिवासी दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासी के आंसुओं का कोई मोल नहीं। वक्त आने पर हम इनके एक एक सवालों का जवाब और एक एक इनके षड्यंत्र का जवाब वक्त आने पर बड़ी माकूल तरीके से दिया जाएगा। फिलहाल तो चंपई सरकार ने अपनी सरकार बचा ली है, साथ ही बीजेपी को भी निशाने पर ले लिया है। बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 31 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद चंपई सोरेन को जेएमएम के विधायक दल का नेता चुना गया था। बीते शुक्रवार को चंपई सोरेन ने राजभवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी।